हे हाय, हमें पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब वो बेंड हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट के बेंड होने के पीछे दो रीजंस है, जिसमें से एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तुम पूछोगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो देखो, लाइट एक वेव है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर जब यह लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तब उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स उस लाइट के लिए ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, जिसके कारण लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। किसी मीडियम की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उस मीडियम में लाइट उतना ही स्लो ट्रैवल करेगी। ये लाइट जब भी मटेरियल से ट्रैवल करती है तो उसे हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं, और मटेरियल की डेंसिटी जो कि इस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी का दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल एन से। इन शॉर्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द लाइट थ्रू द मटेरियल। मतलब कि किसी मटेरियल से लाइट किस तरह ट्रैवल करेगी ये उस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन करती है। तो क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए हमें रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमिनॉन देखने को मिलता है। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। इफ येस, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। अभी देखो, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है लाइट उतना ही नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और ये जितना कम होता है लाइट उतनी ही नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। चलो इसे मैं आपको विजुअली शो करता हूं। अभी यहां पे हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम वन और मीडियम टू। अज्यूम करो कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो इस केस में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अभी अगर मैं मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता हूं तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मैं इसे कम करूं तो ये लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरह। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, जिसमें एक सबस्क्रिप्ट अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम NW से लिखते हैं, जिसमें W का मतलब होता है वाटर, एयर का NA, यहाँ पे भी A का मतलब होता है एयर। सिमिलरली मीडियम 1 का N1, मीडियम 2 का N2 एंड सो ऑन। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी तुम बोलोगे कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो देखो, किसी भी चीज को अगर हमें मेजर करना है तो उसे हम एक पॉइंट से मेजर करते हैं, जिसे हम रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर तीन लोगों की हाइट मेजर करनी है तो उसे मैं ग्राउंड से मेजर करूंगा, कुछ इस तरह। यहां पे ग्राउंड मेरा रेफरेंस हुआ, और मेरे सारे मेजरमेंट्स इसी रेफरेंस के अलोंग लिए हुए हैं, इसीलिए इस हाइट को मैं एब्सोल्यूट हाइट बोलूंगा। सेम इसी तरह जब हम रेफरेंस से किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि प्रीवियस केस में हमारा रेफरेंस था ग्राउंड, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है। इस केस में हमारा रेफरेंस है वैक्यूम, जो कि वन से स्टार्ट होता है, और इसीलिए किसी भी मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा होता है। आई होप आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा। अभी इसके जैसी और एक टर्म है, जो कि है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो इसे भी मैं एक कोरिलेशन से समझाता हूं। अभी थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो कि ये मैं हूं, और ये है मेरी मॉम, ये है मेरे टीचर, और ये है मेरे मैनेजर। मेरी मॉम के लिए मैं उनका बेटा हूं, मेरे टीचर के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं, और मेरे मैनेजर के लिए मैं एक एम्प्लॉई। इन तीनों केस में मेरी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी है मेरा नाम, जो कि है फाइ, जो कि तीनों जगह पे सेम है, बट मेरी रिलेटिव आइडेंटिटी अलग अलग है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में रिलेशन कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में यही सेम सीन है। हर मटेरियल का एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बट किसी और मटेरियल के कंपैरिजन में
वो अलग अलग होता है, जिसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होते हैं जो कि दो मटेरियल्स के इनिशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कुछ इस तरह रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल। अभी यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल ग्लास है और सेकेंड मटेरियल वाटर, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इन दोनों मटेरियल के एब्सोल्यूट वैल्यूज को पुट करूंगा तो मुझे इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, सेम इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास भी होगा, जो कि इसी का इनवर्स होगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से छोटा है। इसका मतलब मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से छोटा हो सकता है, और ये हमेशा उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा जिसके रिलेटिव में हमने इसे कैलकुलेट कर रखा है। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कुछ डाउट्स हो तो उसे कमेंट्स में डालो। और अगर अभी तक तुमने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जल्दी से जाके देख लेना, इसमें मैंने रिफ्रैक्शन को बहुत आसान तरीके से समझाया है। बाकी आपसे जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।